तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी ने थंबनेल देखा है कि पशुधन सहायक डिप्लोमा में जो है सभी के साथ में स्टूडेंट जो है उनके साथ में थोड़ा सा जो है धोखा हुआ है, क्योंकि ये जो है रिलेटेड है स्टूडेंट जिनके कम परसेंटेज थे, ठीक है ना, जिनके 70% थे, ठीक है ना, उनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस बार की एक बड़ी जो है गलती होगी, जिनके 70% है, 75% है, उन स्टूडेंट को जो है कोई भी कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। जबकि स्टूडेंट 2019 में जब थर्ड लिस्ट जारी हुई थी, उस समय स्टूडेंट जो थर्ड लिस्ट की कट ऑफ गई थी, वह 65% वालों को भी जो है कॉलेज अलाउट हुआ था। स्टूडेंट सभी के साथ में, ठीक है, जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल चुका है, चाहे उन्होंने अपनी स्टडी की या फिर नहीं की, लेकिन उनको जो है वेटनरी कॉलेज तो अलाउट हो ही गया, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट उन्होंने क्या किया था, मान लो किसी स्टूडेंट के 85% है, अब उस 85% वाले ने कंप्लीट जो है कॉलेज जो चॉइस की थी उसने सभी कॉलेजें जो है डाल दी थी। ऐसे में क्या हुआ, जिस बंदे के 80% थे या फिर 80% से कम परसेंटेज थे उसको तो कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, और जिसके 85 थे उसको कॉलेज अलाउट हो चुका है। स्टूडेंट पहले ये आशा थी कि थर्ड लिस्ट जारी नहीं होगी, अगर थर्ड लिस्ट जारी होती है तो भी जो है लगभग 75% के स्टूडेंट उनको ले लिया जाएगा। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि डोनेशन की फ़ी कितनी हाई है, जो भी वेटनरी इंस्टीट्यूट है आपने देखा होगा, आपने खुद भी जो है कहीं वेटनरी इंस्टीट्यूट में कॉल किया होगा, तो वहाँ पर जो है डोनेशन की फ़ी है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे में स्टूडेंट वो भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इस बार फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, ये फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट जब जारी हुई थी उस समय सीटें जो है काफ़ी फुल हो चुकी है, और स्टूडेंट जो पहले से इसका वेट कर रहे थे उन्होंने डोनेशन से पहले ही सीटें जो है फुल कर ली थी, यानी अपनी सीट बुक कर ली थी। ऐसे में अब उन स्टूडेंट के साथ में धोखा हुआ है जिनके 70% थे और 70 से 75% के बीच में थे ना, उनको इस बार वेटनरी का कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट वेटनरी को जो है डिप्लोमा करना चाहता था पशुधन साय का, एंड जिसकी जो है जो डोनेशन नहीं देना चाहता था, लेकिन जो है थर्ड लिस्ट का वेट भी किया था इसलिए कि जो है उसको कॉलेज अलाउट हो जाएगी, लेकिन जो है उसको भी कॉलेज अलाउट नहीं हुई है। स्टूडेंट अगर जो है थर्ड लिस्ट भी जारी करनी थी तो अगर कुछ कॉलेजें अगर इसमें और अगर ऐड कर देते, ठीक है, कुछ कॉलेजें अगर और ऐड कर देते तो स्टूडेंट साइड 70 से 75% वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है कॉलेज मिल सकता था, लेकिन स्टूडेंट कॉलेज एड नहीं होने के कारण जिनके अच्छे परसेंटेज थे केवल उन्हीं को ही कॉलेज अलाउट हुआ है, जिनके कम परसेंटेज थे जो है उनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट अब भी जो है कोई भी अपने क्षेत्र में डोनेशन की सीट लेना चाहता है तो अपने आसपास के कॉलेजों में जो है कॉन्टेक्ट की सहायता से या पर्सनल बात ज़रूर कर ले, क्योंकि स्टूडेंट मैं या फिर आप खुद भी नहीं चाहते हो कि आपका एक साल जो है ख़राब हो। अगर आप जो है कॉलेज वगैरह कुछ कर रहे हो तो अच्छा स्टूडेंट, नहीं तो आप जो है आपका एक साल जो है ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट पहले से स्टूडेंट जो है फॉर्म का वेट कर रहे थे, ठीक है, पहले फॉर्म का वेट कर रहे थे, फिर फर्स्ट लिस्ट का वेट कर रहे थे, फिर सेकेंड लिस्ट का, और स्टूडेंट अब जो है जारी हो चुके थर्ड लिस्ट जिसमें भी उनका नंबर नहीं है, तो एक निराशा हो जाती है स्टूडेंट के साथ में कि सर हम तो इतने दिनों से वेट कर रहे थे फिर भी हमको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो है एक तरह का धोखा ही हो गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रमोट हुए उनको तो ले लिया गया है, और जिनके 2019 या फिर 2018 के स्टूडेंट थे जिनके अच्छे परसेंटेज थे, 75% थे, ठीक है ना, उनको भी इस बार जो है कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, तो ये स्टूडेंट एक निराशा की ही बात है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला जो है लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।